मैं बोल के फिर से ना आप लोगों के साथ आई नजर डालते हैं न्यूज 19 की सटासट खबरों पर। दिल्ली में खराब मौसम के चलते फ्लाइटों का जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट का क्रम लगातार बना हुआ है, जिसके चलते भी जयपुर एयरपोर्ट पर एयर कंजक्शन भी लगातार बना हुआ है। कोटा KEDL बिजली कंपनी को लेकर बोले MLA संदीप शर्मा, बीजेपी सरकार में हुआ कंपनी से 20 साल का एग्रीमेंट, तब भी किया गया था बिजली निजीकरण का विरोध, लेकिन जनता जनप्रतिनिधियों की आवाज को देकर कर दिया दरकिनार। जोधपुर रन फॉर निरोगी राजस्थान के तहत शेरगढ़ में निकाली मैराथन, बड़ी संख्या में मैराथन दौड़ में शामिल हुए स्कूली बच्चे, अधिकारी और कर्मचारीगण भी मौजूद। लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के सरपंचों के आरक्षण की स्थिति सामने आ गई। कुल 35 ग्राम पंचायतों में 22 सामान्य, जिनमें 11 सामान्य महिला, 7 OBC जिसमें 3 महिला, 6 SC जिनमें 3 महिला सरपंच होंगी। श्रीगंगानगर IFWJ संगठन ने प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन, पत्रकारों की विभिन्न मांगों को पूरा करने की दी मांग। जिलाध्यक्ष भारत शर्मा ने नेतृत्व में किया ज्ञापन, जिला कलेक्टर से भी मांगों को लेकर की गई चर्चा। बीकानेर में ABBP की विरोध रैली में जमकर विरोध प्रदर्शन, CAB को लेकर निकाली कल विरोध रैली में हुई तोड़फोड़ के विरोध में रैली, राजीव गांधी मार्ग से कलेक्टर कार्यालय तक निकाली रैली, भारी पुलिस बल मात्रा तैनात। रेलवे अधिकारियों का बड़ा घोटाला, सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर पिछले 6 सालों से घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था। सवाई माधोपुर जिले कलेक्टर डॉक्टर SP सिंह पहुंचे रणथंभौर रोड, सीवरेज लाइन निर्माण कार्य का कर रहे निरीक्षण, मुख्य पाइपलाइन में लीकेज देख जताई नाराजगी। 12 पुलिया से गिरकर युवक की मौत, बोरखेड़ी गांव के निकट देर रात हादसा, अपने रिश्तेदार के यहां से लौट रहा था गांव, परिजनों की सहमति पर नहीं हुआ शव का पोस्टमार्टम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस वार्ता, CAA को लेकर विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया, देश में इस मुद्दे पर बहस नहीं कराई गई, अब फैसले के खिलाफ युवा सड़क पर आ गए, कल जयपुर से पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा, सभी धर्म के लोग शांति से रहना चाहते हैं। सटासट खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।